एरोबिक एक्सरसाइज से शरीर तंदुरुस्त होता है, साथ ही दिमाग की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स का निर्माण भी होने लगता है। दौड़ने से भी दिमाग की नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। इस तरह के कार्डिक व्यायाम करने से दिमाग का वो हिस्सा अधिक सक्रियता से काम करने लगता है जो याद रखने की और नई चीजें सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। दिमागी कसरत, अनजाने नामों को याद रखने में परेशानी महसूस करते हैं तो अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिमागी कसरत करना शुरू कर दें। यह कसरतें बहुत ही मजेदार होती हैं और रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। खेल खेल में चीजें जल्दी याद होती हैं क्योंकि यह मनोरंजक होती है। आप अपने हिसाब से छोटे छोटे खेल बना सकते हैं। सेंस डेवलप करें और लॉजिक लगाएं। हम में से कई लोग हर बात पर लॉजिक लगाते हैं, तर्क देते हैं और अपनी भावनाओं को बयां करते हैं। फिर भी कई बार हम अपने तार्किक तौर पर नहीं सोचते। दिमाग को पैना करने के लिए तर्क सबसे अहम होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, अपनी शॉपिंग लिस्ट को याद करें। यह बेहद आसान लगता है लेकिन वास्तव में है बहुत ही कठिन। याद करिए उस समय को जब हम बचपन में ग्रहों को याद किया करते थे, उनके क्रम को याद करते थे। ठीक वही ट्रिक आप शॉपिंग लिस्ट को याद रखने के लिए अपनाएं। तांबा, तांबा एक खनिज पदार्थ है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अत्यावश्यक है। इसकी मौजूदगी में तांत्रिक तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। यह ठीक से काम ना करे तो नई चीजें सीखने और याद करने की क्षमता प्रभावित होती है। तिल, काजू, नाशपाती, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, काली मिर्च आदि इसके स्रोत हैं। पीते रहे पानी। निर्जलीकरण होने पर दिमाग सिकुड़ने लगता है जिससे इसका कार्य प्रभावित होता है। 90 मिनट तक लगातार पसीना बहाने पर दिमाग में इतनी सिकुड़न आ सकती है जितनी की उम्र 1 साल बढ़ने पर आती है। हालांकि 1 से 2 गिलास पानी पीने पर दिमाग जल्द ही सामान्य स्थिति में आ जाता है, लेकिन कई दिनों तक शरीर में पानी की कमी बनी रहने पर कामकाज या स्कूल में प्रदर्शन प्रभावित होने लगता है। शरीर में निर्जलीकरण होने पर दिमाग की कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है और वह सिकुड़ जाती हैं। इससे उनमें मौजूद महत्वपूर्ण केमिकल्स का कंसंट्रेशन बदल जाता है और कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। ध्यान से सुने, जब आप फोन कॉल रिसीव करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर बिना नाम देखे उस व्यक्ति की आवाज से पहचानने की कोशिश करें, या फिर जब आप गाना सुन रहे हो तो उस गाने में इस्तेमाल किए जाने वाली संगीत उपकरणों को पहचानने की कोशिश करें। इसके अलावा आप उस सिंगर की आवाज भी पहचानने की कोशिश करें। 1 सप्ताह तक, हर दिन तक।